डोंट बी सो कंफ्यूज अबाउट जी एस टी आर टू ए तो आज जी एस टी आर टू ए के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला था जी एस टी आर टू ए किसे कहते हैं तो एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था सर कह रहे थे कि डिटेल में आप वीडियो बनाइए Uh, मुझे भी लगा था कि मुझे डिटेल में वीडियो अपलोड करना चाहिए तो वो जस्ट शॉर्ट वीडियो थी सो so दैट थोड़ा सा आपको समझ में आ सके कि जी एस टी आर टू ए किसे कहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो दैट जी एस टी आर टू ए से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएगी एंड आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जी एस टी आर टू ए किसे कहते हैं नमस्ते दोस्तों मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी एस टी आर टू ए किसे कहते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन्स चलती हैं जब आप जी एस टी पोर्टल लॉग इन करते हैं तो वहां पे आपको जी एस टी आर टू शो होता है जी एस टी आर टू ए शो होता है एंड जी एस टी आर टू शो होता है तो इससे रिलेटेड सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न चलती है कि जी एस टी आर टू ए क्या है एंड जी एस टी आर टू बी क्या है तो बेसिकली काफ़ी सारी कन्फ्यूज चलती हैं मेरे माइंड में भी चलती थी जब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था बट किसी ने मुझे बताया नहीं था डिटेल में कि जी एस टी आर टू एंड टू बी में क्या डिफरेंसेस होते हैं बट नोट वरी मैं यहाँ पे हूँ आई एम हियर विद ऑल ऑफ़ यू सो आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ जी एस टी आर टू एग्जैक्टली देखिए जी एस टी आर टू ए जो होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड और डेटा होता है ऑटोपोपुलेटेड रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एक कंप्रेसिव फॉर्म में होता है और जो आप परचेस करते हैं वो कंप्रेसिव फॉर्म में आप जी एस टू में देख सकते हैं तो बेसिकली जी एस टू में वो डेटा आपको शो होता है जो कि रेडीमेड ड्राफ्ट कह सकते हैं ड्राफ्ट होता है जो आपके बायर होते हैं जिन जिन से आपने या फिर गुड्स परचेस किया होगा या फिर सर्विसेज परचेस किया होगा अगर वो मंथली बेसिस पे जी एस टी आर वन रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपके बायर्स जी एस टी आर वन रिटर्न फाइल करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होके आपके जी एस टी आर टू ए में शो होता है बट वो ड्राफ्ट होता है अगर आपके बायर जी एस टी डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो पोर्टल पे जाके प्रिपेयर करते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है तो जो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है जब आप अपने पोर्टल पे देखते हैं तो वो ड्राफ्ट आपको शो हो होता है जी एस टी आर टू ए में तो बेसिकली एक ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको कंप्रेसिव फॉर्मेट में जो आपने परचेज मेड किया है वो आपको जी एस टी आर टू ए में शो होता है तो ये बेसिकली ड्राफ्ट होता है अब रिकन्सेशन आप किससे करते हैं जब आपको रिकन्सलेशन करना होता है अपने बायर्स के कि आपने किन किन से परचेज किया है तो वो जी एस टी आर टू बी में आपको शो होता है तो जी एस टी आर टू बी जो होता है जब हम मंथली रिकन्सिलेशन करते हैं पोर्टल पे जाते हैं लॉग इन करते हैं वहाँ से जी एस टी आर टू बी के डाटा को हम डाउनलोड करते हैं डाउनलोड कैसे करना है इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं आपको सर्च करना है हाउ टू डाउनलोड जी एस टी आर टू बी डाटा फ्रॉम पोर्टल बाय सुमन एजुकेशन हब इस तरीके से अगर आप मेरी वीडियो को सर्च करेंगे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी वीडियो अपलोड किया है तो आप दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो देख सकते हैं अगर हिंदी में कम्फर्टेबल हैं हिंदी में देखिए इंग्लिश में कम्फर्टेबल हैं तो इंग्लिश में देखिए दोनों चैनल पर ये वीडियोज़ अवेलेबल हैं अब देखिए जो मंथली बेसिस पे हमें रिकन्सिलेशन करना होता है जो हमारा टेलीप्राइम में आपने डेटा बनाया होता है जो परचेज़ हम करते हैं मंथली बेसिस पे जो हम रिकन्सिलेशन करते हैं वो हम करते हैं जी एस टी आर टू बी से जी एस टी आर टू बी जो है वो कंप्लीट डेटा होता है जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आपका कितना इनपुट वहाँ पे शो हो रहा है आईटीसी कितनी अवेलेबल है आईटीसी टैक्स जो है कितना वहाँ पे है वो आप देख सकते हैं और अब तो ये रूल हो गया है कि जो जी एस में आपको आई अवेलेबल शो होगी उतना ही आई आपको क्लेम करना है उससे ज़्यादा आप क्लेम करेंगे तो डिपार्टमेंट के साइड से आपको नोटिस आ सकता है तो जो जी एस बी में आपको शो होता है सबसे पहले आप रिकन्सिलेशन कीजिए अगर कोई ऐसा बिल है जो आपका नहीं है बट वो आपके पोर्टल पे शो हो रहा है तो उसका आप इनपुट क्लेम मत कीजिए जब आप रिकन्सिलेशन करेंगे जी एस टी आर टू बी में तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से इन्वाइसेस आपके हैं एंड कौन से इन्वाइसिस आपके नहीं हैं अगर आपके कोई ऐसे इन्वाइस हैं जो कि नहीं है और आपके पोर्टल पे शो हो रहा है तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है उसको आप छोड़ दीजिए और बाकी का जो भी आपको शो होता है जी एस टी आर टू बी के पोर्टल पर वो सारी आई टी सी आपको क्लेम कर लेनी है तो जी एस टी आर टू बी में आपको एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि वहाँ पे कितना आपका आई टी सी अवेलेबल है कितना टैक्स अवेलेबल है जो कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आप अवेल कर सकते हैं तो ये डिफरेंसेस होता है जी एस टी आर टू एंड जी एस टी आर टू बी में आई होप ये क्लियर हो गया होगा तो चलिए एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं कि जी एस टी आर टू एंड जी एस टी आर टू बी क्या है तो जी एस टी आर टू ए जो है वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आपको और डॉक्यूमेंट्स का जो है डेटा मिलता है जो आप परचेस मेड करते हैं उसका एक कंप्रेसिव व्यू ऑफ परचेज मेड आप जी एस टी आर टू ए में देखते हैं जी एस टी आर टू बी में आपको एक कम्प्लीटली जो है आई टी सी आपकी कितनी अवेलेबल है वहाँ पर आपको शो होती है तो ये डिफरेंसेस होता है इन दोनों में आई होप ये डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे और जो भी कन्फ्यूजन्स आपके मन में चल रही होगी जी एस टी आर टू ए को लेकर जी एस टी आर टू बी को ले, को ले वो वॉश आउट हो गई होगी क्लियर आउट हो गई होगी और आप समझ गए होंगे वीडियो को ख़त्म करने से पहले वीडियो को क्लोज सॉरी वीडियो को क्लोज करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग के साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी अकाउंट से रिलेटेड टेक्सीसन से रिलेटेड

तो ये चैनल अवेलेबल है सुमन एजुकेशन हब यहाँ पे आपको सारी वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगी अकाउंटिंग की और टैक्सेस से रिलेटेड भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ ओवर द टाइम तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दीजिएगा दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए दोनों चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है तो दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं भी खुद को सपोर्ट कर सकूं खुद को अप्रिशिएट कर सकूं एंड इसी तरीके से वीडियोस में बना सकूं थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो कीजिएगा दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए दोनों चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं भी खुद को सपोर्ट कर सकूं, खुद को अप्रिशिएट कर सकूं एंड इसी तरीके से वीडियोस में बना सकूं। Thank you and keep watching my video.